देहरादून शहर आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। तो आदि गौरव महोत्सव स्टार्ट हो चुका है आज 15 नवंबर को देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर। इसमें जनजातीय प्रोडक्ट को रखा गया है यहाँ पर, इसका थीम यही है। और ये बिरसा मुंडा की याद में भी रखा गया है जो भगवान कहे जाते हैं, झारखंड, झारखंड के भगवान कहे जाते हैं, उन्हीं की याद में आज ये रखा गया है 15 से 17 तारीख तक के बीच, नवंबर के बीच में। तो जो लोग इसको देख सकते हैं आज कल के दिन में तो ज़रूर आएँ यहाँ पर, और यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट जनजातीय वालों को ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाएं और विकास करें देश का। तो जैसे कि देहरादून में तो अब मेले लगते ही जा रहे हैं, इसी के पैरेलल एक मेला आपको जानकारी दूं, FRI में भी लगा है, वो 15 से नवंबर से 21 नवंबर तक के बीच में है। इसी तरह यहाँ पर भी लगा है, जनजातीय लोगों के सामान यहाँ पर भी हैं, काफ़ी मात्रा में लगाए गए हैं। आज शुरुआत ही थी इसलिए इस समय थोड़ा 6 o'clock का टाइम था इवनिंग में, तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी यहाँ पर निश्चित तौर पर, क्योंकि ये सेंटर में है तो शहर के केंद्र में ये जगह है परेड ग्राउंड, इसलिए लोगों का जमावड़ा तो बनता ज़रूर है, क्योंकि आते जाते लोगों की नज़र एक बार ज़रूर पड़ेगी इसमें। तो इसी तरह मैं भी यहाँ पर आया देखने के लिए और आप लोगों को जानकारी देने के लिए। इसके साथ साथ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखे गए यहाँ पर, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग के साथ साथ। तो चलते चलते मैं भी आगे बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ ये महोत्सव के साथ मैं बढ़ता चला गया। फिर साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चल रहे थे, खटीमा का ग्रुप भी आया हुआ था यहाँ पर, और लोकल प्रोडक्ट काफ़ी थे यहाँ पर, भारत के काफ़ी प्रोडक्ट, और ये तो आप हर जगह देखोगे, नक्काशी वाले आइटम तो हर जगह आए रहते हैं। उसी तरह पंडाल भी काफ़ी अच्छे आकर्षित सजाए हुए थे, उनको टेंट रूप सेव दी गई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक छोटी छोटी हटों के रूप में। और लाइटनिंग का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था जो दूर से ही आकर्षित कर रही थी इन दुकानों को। इसके साथ साथ काफ़ी प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे और आप भी ज़रूर आना इनको लेने के लिए या देखने के लिए, आप ज़रूर आना निश्चित तौर पे। इसी तरह मैं आगे बढ़ता चला गया और तो मैं बढ़ता चला गया आगे, आपको भी दिखाता जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। इसी के पैरेलल शायद अगर मेरा जाना हुआ तो FRI में भी मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ के भी आपको दर्शन करा। इसी तरह मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ उत्तराखंड की जो जनजाति हैं 5, बोक्सा राजी है, उसके बाद भोटिया है, जौनसारी और थारू, इसको का भी यहाँ पर एक आउटलेट लगाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको FRI के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।